शिव और शक्ति ने तो हाथ पीछे कर लिए नारायण, अब आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं देवराज इंद्र को महिषासुर रूपी गाद से बचाने में। जिस कार्य में शिव और शक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया उसमें हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं? देवगण, यह एक परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में हम अपने देवराज को अकेला नहीं छोड़ सकते। महिषासुर चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, किंतु हम अपने देवराज की रक्षा करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। चलिए देवगण। गणेश, समझने का प्रयत्न करो, नंदी तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। महिषासुर अति बलशाली है, वो तुम्हें आहट पहुंचा सकता है। भैया, उसका बल मेरे कर्म के मार्ग का कांटा नहीं बन सकता। चलने के लिए सज हो जाइए नंदी जी, ये आपके स्वामी महादेव पुत्र गणेश का आदेश है। गणेश का आदेश है। गणेश का आदेश है। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु आप मेरे स्वामी नहीं हैं और मैं केवल महादेव की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस दुष्ट महिषासुर के पीछे मत जाइए। परामर्श नहीं, उत्तर दीजिए, साथ चलेंगे या नहीं? साथ चलेंगे या नहीं? साथ चलेंगे या नहीं? तो गणेश की ध्वनि है। मेरा उत्तर अभी भी वही है गणेश जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नंदी महोदय, आप महादेव के पुत्र को मना कर रहे हैं, आपको पता है ना? हाँ गणेश, नंदी को ज्ञात है कि तुम महादेव पुत्र हो। मेरा प्रिय नंदी मेरे पुत्र को मना कर रहा है। और गणेश, नंदी मेरा वाहक है, मेरा सेवक है और किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यदि उससे सेवा लेने का विचार भी रखोगे तो वो विनाशकारी है, पाप है, पाप है, पाप है। श्री, मेरी मंशा और महत्वाकांक्षा दोनों शुभ है, जिसमें मैं इनकी सहायता मांग रहा था, किंतु सहमति और इच्छा से बड़ी ना तुम्हारी मंशा हो सकती है और ना ही महत्वाकांक्षा। बात प्रेम की ही क्यों ना हो,
परंतु यदि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध है तो पाप है, विनाश है, विनाश है, विनाश है, विनाश है। इसलिए यदि नंदी की सहमति नहीं है, इच्छा नहीं है, तो तुम्हें अपनी हट को त्यागना होगा, अपनी भूल को स्वीकारना होगा, अपनी भूल को स्वीकारना होगा, अपनी भूल को स्वीकारना होगा। माताश्री, अब आप ही समझाइए पिताश्री को। मेरा उद्देश्य जगत कल्याण था। मैं देवराज को महिषासुर से बचाकर यहाँ कैलाश लाना चाहता था और उसी कार्य के लिए नंदी जी की सवारी करना चाहता था, ताकि मैं शीघ्र अति शीघ्र अपना उद्देश्य पूरा कर सकूं। उद्देश्य चाहे जितना ही ऊंचा क्यों ना हो, यदि साथी की मान्यता नहीं है तो साथी पर किसी भी प्रकार का बल, फिर चाहे वो मनोबल हो या बाहुबल, उसका प्रयोग अनुचित है। इससे उस उद्देश्य की पवित्रता भंग होती है। और यदि तुम्हारा उद्देश्य इतना ही बड़ा है गणेश, तो जाओ और अपने संकल्प को अपने बलबूते पर पूर्ण करो। अपने वाहन पर जाओ, किसी और को अपने आदेश के पास में मत बांधो। महादेव, गणेश के पास वाहन कहाँ है? नहीं है तो खोजे, नहीं है तो खोजे, नहीं है तो खोजे, नहीं है तो खोजे। यहाँ स्वयं अपना वाहन बनाए, यहाँ स्वयं अपना वाहन बनाए, यहाँ स्वयं अपना वाहन बनाए। और फिर जहां जाना चाहता है वहां जाए। अभाव में किसी और पर अनावश्यक अधिकार समाया नहीं जाता देवी। वाहन ना होना इसकी कमी है और उसे दूर करना इसका दायित्व, इसका दायित्व, इसका दायित्व। ऐसे हर बार किसी और का वाहन, किसी और की सहायता कब तक लेता रहेगा ये? जाओ। यदि पिताश्री से सहायता मांगना पुत्र की दुर्बलता है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और अब कैलाश लौटूंगा तो अपने वाहन पर, तो अपने वाहन पर। उचित है, गणेश यूं हट नहीं करते। गणेश, ऐसे आवेश में आके निर्णय नहीं लेते पुत्र, तुम चलो। नहीं माँ। अब मेरा भी निर्णय अटल है माताश्री, अब आपका पुत्र लौटेगा तो अपनी सवारी पर, अन्यथा नहीं लौटेगा, अन्यथा नहीं लौटेगा, अन्यथा नहीं लौटेगा।